एनर्जी का फोटोन है वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है मतलब एक हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की वो बातें उससे जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया वो एक्सप्रेशन जो था उसने कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन कर दिया पर क्या उससे पहले कभी ऐसे कोई अटैम्प्ट नहीं हुए जो कि ब्लैक बॉडी या किसी भी बॉडी के लिए जो भी एमिशन हो उनसे किसी टेम्परेचर पर उसको एक्सप्लेन कर सके हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर सचिन कुमार वेलकम टू एस चांद अकेडमी और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो हमारे पास प्लैंक स्लो है वो एक्सप्लेन तो करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को यूजिंग क्वांटम एंड ऑल दैट बट जो उससे पहले उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्रेशन बनाए हमने जीन लो विंड डिस्प्लेसमेंट लो या स्टीफन्स लो जो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अराउंड एक्सप्लेन करते थे तो क्या वो ऑब्सिलीट हो जाते हैं या वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ओवरऑल हेल्पफुल रहते हैं अगर आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं इसकी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाउ गाइज इफ़ यू लुक एट के जो हमारे पास प्लैंक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फॉर्मूला है जिसने इसे एक्सप्लेन किया सो दिस वॉज लाइक दिस सो इन दिस केस हम क्या करने वाले हैं कि प्लैंक्स लॉ का हम यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि किन किन सर्टेन कंडीशंस के अंदर हमारे पास रेले जीन लो विन लो या स्टीफन uh, लॉ जो है वो हमारे पास आता है तो क्या ये अकेला लो ऐसा है जो इन तीनों लोज को अपने अंदर कॉम्प्राइज किया हुआ है सिर्फ स्पेशल केसेस में आप उनको ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं तो ये है हमारे पास ओवरऑल प्लैंक्स का गिवन लॉ अब इसकी जो स्ट्रक्चर है ये एक मतलब ख़ास तरीके से हम इसको समझ सकते हैं सो इन दिस एक्सप्रेशन सो वी ऑल्सो हैव दिस क्वान्टिटी डीन यू तो ओवर ऑल अगर मैं इसको प्लॉट करूँ सबसे पहले तो एज अ प्लॉट इधर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है एंड यहाँ मेरे पास किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो एनर्जी डेंसिटी है वो है तो so ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है सो दिस एक्सप्रेशन ज समथिंग लाइक दिस नाउ मैं ये कह सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में अगर मैं देखना चाहूं कि कितनी एनर्जी है तो ये हमें क्वांटिटी मिल सकती है क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी रेंज में आपके पास इतना जो है वो आपके पास इतनी एनर्जी आपकी अवेलेबल है तो इतनी एनर्जी कैरिड बाय ऑसिलेटर्स एट दिस फ्रिक्वेंसी इन अ ब्लैक बॉडी तो ये जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बना और ये डिस्ट्रीब्यूशन तब बना जब ये एच न्यू ये वाली जो क्वांटिटी थी ठीक है ये इंट्रोड्यूस की गई इज इक्वल टू एच न्यू जिसमें क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुतनी भी एनर्जी हो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो एनर्जी भी कितनी भी बढ़ती जाएगी तो वो क्या है वो एच न्यू जो एनर्जी है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस जो आपको डिविज़न में दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग वो सेट होगी सो so, तो अगर मैं इसको देखूं ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास u न्यू d न्यू सो दिस इज़ इक्वल टू इसको हम एक हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओके नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि न्यू फ्रीक्वेंसी पे हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो कि न्यू फ्रीक्वेंसी पे है एंड d न्यू तो ओवरऑल जो न्यू फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी है इन जो आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उस पर हैं अगर हम टोटल काउंट कर दें तो उससे उस कि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी तो ये एक बेसिक एक्सप्रेशन है तो अगर हम इसको और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ओके दिस क्वांटिटी एन न्यू तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट ए पर्टिकल एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सो एन न्यू टी न्यू दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज़ एट पाई न्यू स्क्वेयर बाई सी क्यूब सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन एंड अगर मैं एनर्जी ये कैलकुलेट करना चाहूँ सो ओवरऑल तो ये क्या रहेगा एच न्यू डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय के टी माइनस वन तो ये आप इसके दो पार्ट्स कर सकते हैं जो आप इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा जो एनर्जी है वो क्या है एच न्यू है पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए क्या है वो कितनी एनर्जी मतलब कितनी ओवरऑल आपके पास आ, अलग अलग केसेस में होगी तो वो इस तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है नाउ ये जो हमारे पास फॉर्मूला है हम इसको न्यू की जगह लैमडा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ओवरऑल सो so, अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को न्यू की जगह मैं लैमडा में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी अभी तक हमने क्या था सिर्फ एनर्जी और नंबर को अलग अलग समझने के लिए ये न्यू स्क्वेयर एंड न्यू इनको हमने अलग अलग लिखा हुआ था हम इसको कलेक्टिव लिख सकते हैं एंड दिस क्वांटिटी डी न्यू तो हमें पता है न्यू इज़ इक्वल टू सी बाय लेमडा सो डी न्यू इज़ इक्वल टू तो हमारे पास वहाँ पर भी एक्सप्रेशन आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैमडा जब हम करेंगे नौ तो हमारे पास जो इसमें नेट एक्सप्रेशन बन जाएगा सो so, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास दैट विल लुक लाइक दिस यू न्यू डी न्यू इज़ इक्वल टू एट पाई एच सी बाई लैमडा रेज टू दर फाइव एंड दिस एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस क्वान्टिटी एच न्यू न्यू विल बी सी बाई लेमडा सो एच सी बाय लेमडा के टी माइनस वन सो दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डी लेमडा वी विल गेट नाउ हमने ये देखा कि जो हमारे पास रेलेजीन लॉ है रेलेजीन लॉ के केस में अगर मैं इस कर्व की बात करूँ तो रेलजीन लॉ जो लो फ्रीक्वेंसी का रीजन था उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो उससे डेविएट होता जा रहा था सो लो एनर्जी का रीजन लो फ्रिक्वेंसी का रीजन वो सही से एक्सप्लेन कर रखा था कर रहा था या कि हम कह सकते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी यानी कि हाई वेव तो अगर मैं लेमडा की टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो हायर वेवलेंथ के केसेस में वो सही से एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा था लेकिन फर्दर वो आगे के कर्व को इसके अकॉर्डिंग ठीक है सेट नहीं कर पा रहा था सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो आपके पास लेमडा क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इस एक्सप्रेशन में तो जब लैमडा आपके पास ज़्यादा है तो एज कंपेयर टू अगर मैं एच सी बाई के टी कहूँ सो so, लेमडा ज मच मोर देन दिस क्वांटिटी एच सी बाई के टी सो दिस क्वॉंटिटी लेमडा जो है वो एच सी बाई के टी से काफी ज्यादा है क्योंकि हम लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज में यानी कि हायर वेवलेंथ रेंज में इसको चेक कर रहे हैं एंड ये हमें पता चला कि जो रेलजीन लो है आपका वो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के पे बेस्ड है तो वो इसी रीजन में ठीक से उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था नौ तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो ओके okay, लेमडा जब बहुत बड़ा है एच सी बाई के टी से तो ये जो नंबर है ये आपका काफ़ी छोटा हो जाता है सो दिस नंबर ओवरऑल जब लेमडा बहुत बड़ा है क्योंकि वो लेमडा डिवीज़न में है तो ये नंबर ओवरऑल बहुत छोटा हो जाता है सो व्हेन दिस नंबर इज़ वेरी स्मॉल तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि व्हेन आई हैव दिस एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाय लेमडा के टी ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है तो मैं इसको जो एक्सपोनशियल की टर्म होती है क्योंकि वन प्लस एच सी बाई सकता हूं प्लस आगे इसका फैक्टोरियल इस तरीके की टर्म होती है अगर मैं इसको एक्सपोनेशियल को ओपन करता हूं तो अब ये जो आपके पास टर्म आ गई है कि वन प्लस दिस टर्म प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल दिस टर्म का स्क्वायर क्योंकि ये टर्म बहुत स्मॉल है इन दैट केस आप कह सकते हो कि इसका स्क्वायर और फर्दर जो सारी टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो उनको जब मैं नेगलेक्ट करता हूं तो मैं सिर्फ इतनी टर्म अपने लिए यहां पर कंसिडर कर लेता हूँ सो वन प्लस दिस एक्सप्रेशन तो मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म की जगह वन प्लस दिस एक्सप्रेशन यहां पर लिख सकता हूँ फर्दर तो मेरे पास ये जो वन है इसके साथ मेरे पास एक माइनस वन है तो वन और वन ये कैंसिल हो जाता है सिर्फ इतनी टर्म मेरे पास बच जाती है तो ओवरऑल मेरे पास जो इस केस में फॉर्मूला बनेगा इस एक्सप्रेशन का सो दैट विल लुक मी लाइक दिस के ये मेरे पास यू न्यू एट पाई एच सी बाय लेमडा रेस टू दाइव एंड दिस क्वान्टिटी वन डिवाइड बाय तो एक्सप्लोनेक्शन एच सी बाय लेमडा के टी इसको जब मैं इससे सब्सटिट्यूट करूँगा तो वन और वन कैंसिल हो जाएगा फाइनली मेरे पास बचेगा डिविजन में सो एच सी बाय लेमडा के टी सो लेमडा ऊपर एंड दिस क्वान्टिटी के टी एंड डी लेमडा सो ये एक्सप्रेशन मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा सो हेयर ऑल्सो इट इज़ डी लेमडा तो क्योंकि हम यहाँ पर अब लैमडा की टर्म में स्टडी कर रहे हैं एंड ऑल्सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ लैमडा फाइन नाउ ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है एच सी बाय अब इसको हम थोड़ा सा सिम्पलीफाई कर सकते हैं कि लेमडा की एक पावर हमारे पास कम हो जाएगी एट पाई एच सी लैमडा रेज टू दावर फोर के टी बाय एच सी एंड दिस क्वांटिटी एच सी विल ऑल्सो कैंसल आउट सो ये आपके पास एट पाई के टी बाई लैमडा रेस्टोर फोर डी टर्म्स में ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज जीन लो तो ओवरऑल हमने कर का जो एक पार्ट था उसको कंसिडर करके कि जिस रीजन में वो एक्सप्लेन कर रहा था अगर हमने वही कंडीशन पुट की तो ओवरऑल प्लैंक्स लो जो है वो रिड्यूस हो गया हमारा रेल लो के अंदर इसके बाद हमारे पास क्या आता है हमारे पास वीन लो आता है अब जिस तरीके से रेल लो को हमने देखा उसी तरीके से हम विन लो को भी देख सकते हैं तो अगर मैं वीन लो के केस में ये एक्सप्रेशन देखूँ सो so, uh, मेरे पास वही प्लैंक्स रेडिएशन है तो फ्रीक्वेंसी का रीजन एंड देन कर्व लाइक दिस एंड यहां पर है मेरे पास एनर्जी डेंसिटी तो अगर मैं इसे यहां पर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल वेवलेंथ के टर्म में है तो जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेवलेंथ कम है तो उसको हम उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं नाउ जो विंड लो है उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला जो रीजन था वो अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रहा था तो इन लो विन लो इस रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था जबकि जीन लो आपका इस रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट रीजन को एक्सप्लेन कर रहे थे तो अब विन लो के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या मतलब हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या हम इसे समझ सकते हैं सो लेट्स लुक एट इट तो जैसे हमने रिले जीन के केस में देखा कि दैट वाज लोअर फ्रिक्वेंसी सो हायर वेवलेंथ तो इस केस में हमारे पास क्या रहता है कि इस रीजन में हमारे पास हायर फ्रिक्वेंसी सो इट इज़ लोअर वेव तो जब वेव लो है सो इन दैट केस मैं कह सकता हूँ कि जो ये लैमडा है सो दैट इज़ मच मच स्मॉलर दैन दिस क्वान्टिटी एच सी बाई के टी तो पिछले केस में हमने देखा था कि ओके लेमडा जो था वो हमारे पास लार्जर दैन था एच सी बाई के टी लेकिन अब क्या है कि स्मॉलर देन है ये एच सी बाई के टी नो अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ जो हमारे पास है यू लैमडा डी लेमडा का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एट पाई एच सी बाई लैमडा रेस टू दर फाइव एक्सपोनशियल ऑफ एच सी बाय लेमडा के टी माइनस वन डी लेमडा अगर इस एक्सप्रेशन में मैं ये पुट करूंगा तो क्या होगा ओवरऑल ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी के लेमडा के टी तो लेमडा इज़ वेरी वेरी स्मॉल जब नीचे आपके एक स्मॉल नंबर है वेरी स्मॉल नंबर है तो ओवरऑल वो आ, वो टोटल जो नंबर है आपका उसको बहुत बड़ा बना देता है फाइन सो डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका ओवरऑल नंबर आपका बहुत बड़ा बन जाता है तो अगर ये टोटल नंबर बहुत बड़ा बन गया तब आपको क्या होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल है ये और भी बड़ा हो जाएगा ई रेस टू दावर ए बिग नंबर इज अगेन अ बिगर नंबर उस नंबर के कंपैरिजन में मैं इस वन को नेगलेक्ट कर सकता हूं बिकॉज हमारे पास यहां एक बहुत बड़ा नंबर है एंड एज कंपेयर टू दैट मैं इसको वन को नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो ओवरऑल मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो एट पाई एच सी बाई लैमडा पर फाइव एंड दिस एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर में आएगा तो माइनस एच सी बाय लेमडा के टी ये आपके पास बनेगा एंड डी लेमडा ये आपके पास एक्सप्रेशन है ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का इन द कंडीशन जब आपके पास लैमडा जो है इज मच स्मॉलर देन आपके पास होगा। नाउ इसको जब हमने देखा सो दैट वॉज एग्जैक्टली लाइक वींस लॉ तो जैसी ट्रीटमेंट हमने रेलेजिन लॉ के साथ की उसको इस कर में एक पर्टिकुलर जगह पे हमने रिलेजीन लो को देखा वैसे ही विन लो को भी हमने उसी तरीके की कंडीशंस उस पर अप्लाई की तो हमने देखा कि प्लैंक्स लो जो था वो रिड्यूस होके के लॉ में आ जाता है अब आ, हमारे पास हमने जो अभी लास्ट वीडियो में स्टडी किया कि स्टीफन लॉ लो वो भी ये बताता है कि कितनी ओवरऑल एनर्जी रेडिएट करती है कोई ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर तो क्या हो वो स्टीफन लॉ हम मतलब डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द सेम रिलेशन प्लैंक्स लॉ एंड जो ये हमारे पास विंस लॉ है ये हमारे पास ओवरऑल एक ऐसा पॉइंट भी दे रहा है जो ओवरऑल एक कर uh, में एक मैक्सिमा की तरह नज़र आ रहा है तो अगर हम उसको डिराइव करें तो वो हमें क्या एक्सप्रेशन देगा जिसे हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम आदित्य है और मैं आ रहा हूं एस चांद एकेडमी पर आप लोगों के लिए जुलॉजी की स्पेशल वीडियो सीरीज़ लेकर आप जानते हैं कि जुलॉजी एनिमल्स के रिलेटेड एक साइंस है जिसमें आप बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ते हैं और इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं अक्सर चैलेंजेस आते हैं पिछले करीब दस सालों में मैंने रिसर्च और मास्टर्स बी इन सब के दौरान इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा समझा और इसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको वीडियोस मिलेंगे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू एस चांद टू गेट कंटिन्यूस अपडेट्स आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें आप नए नए वीडियोस को लगातार देखते रहें ताकि आपकी नॉलेज का इन्हांसमेंट हो और साथ ही साथ आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी कर सकें थैंक यू वेरी मच वेलकम बैक टू एस चंद एकेडमी ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक्सप्रेशन देखा था जिसके थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट कंडीशंस में दो डिफरेंट रीजन्स में अगर हम देखें तो रेलजिन लॉ और विंस लॉ, ये दोनों टोटली totally रिड्यूस हो रहे थे थ्रू प्लैंक्स लॉ, मतलब डिराइव किए जा पा रहे थे कि अगर हम स्पेशल केसेस हम पुट कर रहे थे कि लेमडा ग्रेटर देन हो एच सी से या स्मॉलर हो Now, हमने देखना है कि जो हमारे पास विन्स लॉ जो आ तो क्या हमने डिराइव किया वीडियो से जस्ट पहले तो उसमें हमारे पास एक मैक्सिमा की कंडीशन टाइप भी बन रही थी तो एक कर्व लाइक इस तरीके से हमारे पास बन रहा था कि जिसमें हम मैक्सिमा डिराइव कर सकते हैं तो किसी भी जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है अगर हमें उसमें मैक्सिमा डिराइव करना है तो हम क्या कर सकते हैं उसे डिफ्रेंशिएट कर, है, कर सकते हैं एंड डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर सकते हैं तो वो हमें उस पॉइंट की वैल्यू देगा जहाँ पर वो एक्सप्रेशन जो है हमारा वो मैक्सिमम है तो ओवरऑल विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको हम देखना चाहते हैं सो इफ आई लुक एट तो जो एनर्जी डेंसिटी है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू लेमडा बिकॉज पहले हम ये सारा एक्सप्रेशन फ्रिक्वेंसी में कर रहे थे और प्लॉट को तो हमने फ्रिक्वेंसी में ही समझा लेकिन एक्सप्रेशन को हम लेमडा में ले आए फॉर सम कन्वीनियंस क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ ऑलरेडी एक्सप्रेशन थे जिससे हम उसको मैच करना चाहते थे अदरवाइज आप उसे फ्रिक्वेंसी में भी अंडरस्टैंड uh, कर सकते हैं सो देर इज नो हार्म इन दैट तो इन दिस कंडीशन अगर मैं ऐसा कहूँ क्योंकि दिस लेमडा इज इक्वल टू लैमडा मैक्सिमम तो जिस पे एनर्जी डेंसिटी आपके पास मैक्सिमम होगी सो इन दैट केस दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो तो अगर मैं इसे प्लॉट कर रहा हूँ सो वट इज़ दिस तो ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी है ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है एंड मैं इसको कर्व को ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ एंड इन दिस कर्व आपके पास यहाँ पर ठीक है ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है जो वीन्स लॉ है एंड इस एक्सप्रेशन में ये जो आपके पास मैक्सिमा है मैक्सिमम जो आपके पास एनर्जी डेंसिटी है वो किस फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ पे आपको मिलती है फाइन तो ये हम यहाँ पर देखना चाहते हैं नाउ अगर इसको एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर ज़ीरो करता हूँ तो जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने एनर्जी डेंसिटी का वेवलेंथ के लिए विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए एक एक्सप्रेशन ऑप्टेन किया था उसको हम विद रिस्पेक्ट टू लैमडा डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड आफ्टर सम कैलकुलेशन वी गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस जिसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है कि दैट लैमडा मैक्सिमम इंटू टी टेम्परेचर तो जो के टी में हमारे पास जो टी टेम्परेचर है सो लेमडा मैक्सीम इंटू टी सो दिस इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट सो दिस इज इक्वल टू एच सी बाई के इन टू इन फोर पॉइंट नाइन सिक्स फाइव सो दिस नंबर तो ओवरऑल ये मुझे क्या बताता है कि ओके लेमडा मैक्सिमम सो ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है ठीक है वो किस पे डिपेंड कर रही है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड अगर ये जो है मेरे पास एक कांस्टेंट है जिसको लेमडा uh, maximum is equal to this constant whose value overall becomes 2.897 into 10 to the power minus 6 divide by t and this is in the units of so this meter wavelength ke liye and kelvin temperature ke liye. fine तो कोई भी बॉडी किस टेम्परेचर पे है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी किस वेवलेंथ में निकल रही है अब इस चीज़ का एप्लीकेशन अगर आप देखो तो जैसे कि सन है हमारे पास तो सन क्या है वो आ, हम कंसीडर करते हैं सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस के ऊपर सन जो है वो हीटेड है उसका जो सरफेस है तो सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मतलब उसके आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं सो दिस वेवलेंथ कम्स इन येलो रीजन तो जो भी हमारा सन का ओवरऑल सन को अगर हम ब्लैक बॉडी कंसिडर करके उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में सो दैट्स वाई जो सन है वो हमें येलो रीजन के अंदर मैक्सिमम जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है मैक्सिमम लाइट वो हमें देता है तो ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमें पता चलता है कि किसी भी लाइट में किसी भी टेम्परेचर पे मैक्सिमम कौन सी लाइट मिलेगी नाउ हम आते हैं स्टीफन स्लो के ऊपर तो स्टीफन स्लो की अगर मैं बात करूं एनर्जी डेंसिटी तो हमें पता है ठीक है कि यू लेमडा डी लेमडा क्या है हमारे पास लेकिन हमें चाहिए कि टोटल किसी टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी जो है वो एमिट की जा रही है ठीक है तो उससे हमें क्या है स्टीफन स्लो डिराइव हो पाएगा सो फॉर स्टीफन स्लो हमें क्या चाहिए जो यू लैमडा डी लेमडा है मुझे इसे इंटीग्रेट करना है फोर के लेमडा ज़ीरो हो जीरो से इन्फिनिटी कोई भी लेमडा हो उन सब के लिए मुझे टोटल एनर्जी काउंट करनी है तो जब मैं ये टोटल एनर्जी काउंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास जो ऑलरेडी एक्सप्रेशन है तो उसका इंटीग्रेशन मुझे ज़ीरो टू इन्फिनिटी डी लेमडा करना है तो ये मेरे पास है एट पाई एच सी बाई लेमडा रेस टू दी पावर फाइव एंड वन डिवाइड बाय एक्सपोनशियल ऑफ दिस क्वांटिटी एच सी बाय लैमडा के टी माइनस वन तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर बनता है नाउ अगर इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हम आ, कई तरह का मतलब कोई ना कोई मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी टर्म्स हैं उनको सम हाउ हम रिड्यूस करके कम टर्म्स के अंदर ले लेके आ सकते हैं तो ये जो है एच सी बाय लेमडा के टी तो हम इस टर्म को लेते हैं एच सी बाय लेमडा के टी इसको मैं एक्स से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो अगर मैं इसको ऐसे सब्सिट्यूट करता हूँ तो ऑल्सो आई कैन गेट दिस वैल्यू ऑफ लेमडा तो इस एक्सप्रेशन से मैं लेमडा की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ सो द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय एक्स के टी तो ये मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है सिमिलरली अब मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर तो यहाँ लेमडा की वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ एंड यहाँ पर अगर मैं डी लेमडा कैलकुलेट करूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय सो वन नेगेटिव साइन एंड वन बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वेर एंड के टी तो ये डी लैम्डा की हमारे पास वैल्यू रहेगी नाउ इन सब चीज़ों को हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड वी विल गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस सो एट पाई एच सी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो ठीक है ये हमारे पास रेंज बनती है एट बाई एच सी ये बाहर आ गया है लेमडा की जगह हम एच सी बाई एक्स के टी लिख सकते हैं सो दिस इज़ वन डिवाइड बाय एच सी बाय एक्स के टी रेस टू पावर फाइव एंड वन डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वन दिस क्वांटिटी एंड ऑब्वियसली डी लेमडा की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस एच सी बाई एक्स टी एंड हेयर वी हैव वेल सो दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमें यहां पर मिलता है अब हम इसमें एच uh, सी की वैल्यू कट कर सकते हैं नेगेटिव साइन जो है हमारे पास उससे हम इसकी जो लिमिट्स है वो स्विच कर सकते हैं एंड सिमिलरली के जो एक्स है इसको हम कलेक्टिवली डील्स कर सकते हैं ये एक्स स्क्वेयर है यहाँ पर ये एक्स है एंड सिमिलरली के टी को भी हम कलेक्टिवली ऐसे डील कर सकते हैं तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन बनता है तो वो है कि जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है एट एनी टेम्परेचर टी टोटल जो एनर्जी है यहां इंटीग्रेशन के बाद एट एनी टेम्परेचर टी हमारे पास बनती है सो दैट विल बी इक्वल टू एट पाई के फोर टी फोर डिवाइड बाय सी क्यूब एच क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स एंड दिस इज इन द रेंज ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी नौ ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये हमारे पास एक पैट इंटीग्रल है जिससे हम कुछ स्पेशल फंक्शंस के तौर पर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ओवरऑल जो इसकी हमारे पास वैल्यू आती है सो दिस इज पाई टू दर फोर डिवाइड बाई फिफ्टीन तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है नाउ अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ सो दिस इज एट पाई के रेज टू द फोर सी क्यूब एच क्यूब एंड दीज क्वान्टिटीज पाई फोर डिवाइड बाई फिफ्टीन एंड मेरे पास है टी रेज टू द पावर फोर सो ओवरऑल आई कैन सी कि स्टीफन स्लो में जैसे हमने डिराइव किया था कि जो आपकी टोटल एनर्जी है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्थ पावर ऑफ दैट टेम्परेचर एंड ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटीज रहेंगी ओवरऑल मतलब ये कांस्टेंट के तौर पे वैल्यू आएगी ओवरऑल जो टोटल आपके पास एनर्जी है रेडिएटेड वो आपके पास क्या है टेम्परेचर रेज टू दावर फोर पे डिपेंड कर रही है तो इस तरीके से हमने स्टीफन स्लो डिराइव किया प्लैंक्स लो को यूज़ करके प्लैंक्स का जो एक्सप्रेशन था उसको यूज़ करके एंड उसमें हमने जस्ट इंटीग्रेट किया ताकि हम सभी एनर्जीज़ को कवर कर लें एंड उस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन थोड़ा सोल्यूशन एंड देन ये एक पैट इंटीग्रल एंड इसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया जो कि स्टीफन स्लो को सिग्निफाई करता है इसमें ये वैल्यू हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है और टोटल एनर्जी रेडिएटेड इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर रेज टू द पावर फोर अगर हम इस लेक्चर को ध्यान से देखें तो ओवरऑल हमने क्या किया सबसे पहले प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन उठाया अब उस डिस्ट्रीब्यूशन के हमने दो पार्ट स्टडी किए एक एनर्जी वाला पार्ट था और एक नंबर वाला पार्ट था तो ये जो पोर्शन थे इसमें इसका जो डेरिवेशन था वो डेरीवेशन इनिशियली मतलब कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं था प्लैंक वज क्वाइट मतलब वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि उसका कम्प्लीट एक्सप्रेशन के एच जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है उसको कैसे डिफाइन किया जाए बट इंडियन साइंटिस्ट सत्यन्द्र नाथ बोस ने उसे उसको डिराइव किया और उसके बाद उसका प्रूफ एल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा एंड देन उन्होंने एक जर्मन जर्नल में ये वर्क पब्लिश किया वो जो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूलेशन है जो प्लैंक ने दी थी उसको डिफरेंट कंडीशन में हम जो उससे पहले क्लासिकल जो लॉज बने आ रहे थे हम वो लॉज उससे डिराइव कर सकते हैं तो अपने आप अप में वो जो एक्सप्रेशन है वो इन सब को अपने अंदर समाए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे पास अगर जो वेवलेंथ की टर्म है वो एच सी बाई के टी से ज़्यादा है ठीक है सो इन दैट केस जब लैमडा आपका ज़्यादा है तो रेलजीन्स uh, लॉ तो वो फॉलो करने लगता है अगर वो कम है तो वो विन लॉ को फॉलो करने लगता है उसी तरीके से हमारे पास जो विन लॉ डिराइव हुआ इस केस में उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू तो जीरो रखते हैं तो विन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है कि लैम्डा मैक्सिमम आपका किस टेम्परेचर पे किसी भी टेम्परेचर पे आपका किस वेवलेंथ पे मैक्सिम आपका आएगा वो आप फाइंड आउट कर पाते हो एंड सिमिलरली स्टीफन लॉ भी हमने इसी से डिराइव किया जिसमें कि हमें पता चला कि टोटल जो एनर्जी रेडिएटेड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज टू फोर एंड हम अपनी एक प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से और अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस जैन पब्लिशिंग की इस बुक को रेफर कर सकते हैं इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी तरह के डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को आसानी से और मज़ेदार किस्सों के साथ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहें टेक केयर गाइज एंड हैव अ वेरी गुड डे बाय All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.